मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इस टॉपिक के बारे में, विच बुक टू यूज़। यानी कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कई बार सवाल पूछते हैं कि सर किताब कौन सी पढ़ें। कुछ लोग पूछते हैं रेन मार्टिन अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं SP बख्शी किताब अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं नीतू सिंह मैम की किताब अच्छी है, तो कौन सी किताब इनमें से पढ़ें, क्योंकि तीनों ही किताबें अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छी हैं। हमें समझ नहीं आता कि हमारे एग्ज़ाम के लिए, अगर हम SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे एग्ज़ाम के लिए कौन सी किताब बेहतर है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस चैनल पर वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुईस की समरी पूरी तरीके से प्रोवाइड की जा रही है, तो उसको देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर टेलीग्राम चैनल पर अगर आप PDF जाते हैं तो टेलीग्राम चैनल आप सर्च कीजिएगा @ अमन त्रिवेदी, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात शुरू करें अपने इन तीनों किताबों में से। तीनों ही किताबें SSC के लिए बहुत सही हैं, तीनों में ही कोई भी बुराई नहीं है कि आपके अपनी अपनी जगह पर। बात अगर करेंगे कि हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो एक एक किताब की डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कौन सी किताब बेहतर है। हाँ, जो फैक्टर मैं यहाँ कंसिडर नहीं करने वाला हूँ वो है कॉस्ट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात नहीं करने वाला हूँ कि ये कितने की आती है, वो उतने की आती है। मेरे हिसाब से कॉस्ट यहाँ पे इशू नहीं है, पॉइंट ये है कि कौन सी किताब हम पढ़ें। तो सबसे पहली किताब जो आपको दिखती है वो है रेनन मार्टिन, जो सबसे ज़्यादा लोग आप में से रिफ़र भी करते हैं, कई लोग सजेस्ट भी करते हैं। बात करें रेनन मार्टिन की, तो रेनन मार्टिन की किताब में क्या आपका इसका किसने लिखी है, रेनन मार्टिन की जो किताब है ये PC रेन और H मार्टिन, ये दो लोग हैं, इन्होंने ये किताब लिखी है। और इनका नाम ये है आपका, एक इंग्लिश राइटर है जो ज़्यादातर फिक्शन लिखते थे। इनका जन्म 1875 में हुआ था और 1941 में वो मर चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे और उन्होंने ये किताब 1935 में लिखी थी, और इंडिया में जो इसका वर्जन हमें मिलता है वो NDV प्रसाद राव और प्रसादा राव ने रिवाइज किया है, वो वर्जन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और ये किताब पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में अवेलेबल है। अब समस्या क्या है, आप में से ज़्यादातर लोग मुझसे कहते हैं कि सर ये किताब बहुत अच्छी है। बिल्कुल अच्छी है सर, मैं इस किताब को फुल में से फुल मार्क्स देता हूँ, बेहद ही खूब उमदा किताब है, बहुत अच्छी किताब है, कोई बुराई नहीं किताब में। लेकिन बुराई क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आप जैसे देख रहे हो कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, रेनन मार्टिन की के द्वारा। उन्होंने जो ये किताब लिखी थी वो हाई स्कूल इंग्लिश लिखी है, यानी कि वो स्कूल लेवल की जो इंग्लिश होती है उसके रिगार्डिंग उन्होंने लिखी थी। ये किताब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से कहीं पे भी नहीं लिखी गई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से कहीं पे भी नहीं लिखी गई है। इसमें उनके दिमाग में SSC बैंक NDA CDS ऐसा कोई एग्जाम उनके दिमाग में नहीं था, ठीक। कंटेंट्स इस किताब के क्या हैं, इस किताब के कंटेंट्स आपके सामने मैंने इंडेक्स की फोटो खींच के आपके सामने रख दी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंटेंट्स इस किताब के क्या हैं। तो ये आपके कंटेंट्स आप देख सकते हो, टॉपिक्स सारे कवर हैं, कोई बुराई नहीं, टॉपिक्स सारे जितने भी आपके होने चाहिए वो सारे टॉपिक्स उन्होंने कवर किए हुए हैं यहाँ पर, क्या डिटरमाइनर है सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं, और उन्होंने कंपोजिशन का भी पार्ट बताया हुआ है, यानी कि फ्रेज कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है, वो भी चीज़ें उन्होंने पढ़ाई हुई हैं। तो किताब बहुत अच्छी है, किताब में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो समस्या है वो ये है कि किताब हमारे पर्पस के लिए नहीं लिखी गई है, किताब लिखी गई थी हाई स्कूल के बच्चों के लिए, इंग्लिश के लिए। अब हम दूसरी किताब क्या है हमारी, SP बख्शी किताब। SP बख्शी किताब का पहला एडिशन 2000 में आया था, और SP बख्शी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पर, और उन्होंने ये जनरल कॉम्पिटिशन के लिए ही लिखी थी। आप टाइटल में ही देख सकते हो, बैंक PO SSC CGL LDC MBA होटल मैनेजमेंट MCA UPSC या BED, यानी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये किताब उन्होंने लिखी थी। और तीसरी किताब, इस किताब के कंटेंट्स क्या हैं, इस किताब के कंटेंट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंटेंट्स सारे वही हैं जो आपके होने चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। जैसे इन्होंने देखिए इसमें स्पॉटिंग एरर इन्होंने लिया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट लिया है, ईडियम फ्रेजेस वगैरह इन्होंने डिस्कस किए हैं, नरेशन डिस्कस किया है, सिंथेसिस डिस्कस किया है, वगैरह वगैरह सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। और तीसरी किताब हमारी आ जाती है नीतू सिंह मैम की, ये किताब इन्होंने लिखी थी 2012 में, और अभी भी इसका एकदम लेटेस्ट रिवाइज्ड एडिशन मिल जाता है। ये किताब इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी और बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी अवेलेबल है आपकी ये किताब। और ये किताब जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, इसका हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो जो बच्चे अंग्रेजी में उतने निपुण नहीं है उनके लिए वो प्रॉब्लम किताब समस्या करती है, ठीक। इस किताब के कंटेंट्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने वर्ब को पहले बेसिक अलग बताया, वर्ब एडवांस अलग बताया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अलग बताया, और सारे के सारे टॉपिक्स अलग बताए।
तो तीनों ही किताबें अपनी अपनी जगह पर सही है, मैं किसी भी किताब की बुराई नहीं कर रहा, और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो मैं किसी भी किताब के ऊपर बायस्ड ओपिनियन आपको नहीं दे रहा हूँ। एक सिंपल सी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किताबें अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, हमें ये देखना होगा कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं। हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की। नीतू मैम की जो कोचिंग थी पैरामाउंट पहले और बाद में केरी पब्लिकेशन, वो कोचिंग स्पेशलाइज्ड थी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए। तो उन्होंने जो किताब लिखी वो भी उसी एग्जाम को ध्यान में रखकर लिखी। इसमें जब उन्होंने क्वेश्चंस दिए तो उन्होंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उन्हीं को रिफाइन करके यहां पर दिया। हालांकि इस किताब में भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिवाइज्ड नहीं है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई। अब थोड़ा अंदर जाके हम किताबों को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये आप देखिए नीतू सिंह की किताब का ये मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है। अब जैसे इन्होंने वर्ब समझाया है तो एक एक चीज को इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर करके इन्होंने बताया है, साइन बना बना के चीजें समझाई हुई हैं, आप यहां पर इसे देख सकते हो। लेकिन अगर आप यहीं पे बात करोगे कि आप बात करो रेंडन मार्टिन की, ये वाला जो फोटो है ये रेंडन मार्टिन का है, रेंडन मार्टिन में देखोगे तो उन्होंने पूरा इंग्लिश में समझाया है और बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, क्योंकि ये किताब फॉरेन राइटर की है। मैं बार बार कह रहा हूँ फॉरेन राइटर की है, तो उन्होंने उस तरीके से किस किताब को लिखा है। आपकी किताबें इन्होंने अलग, ये नीतू सिंह मैम की किताब अलग तरीके से लिखी गई है। ठीक है, अब इस बात को ये समझिए, ये किताब इन्होंने लिखी है आपकी, जैसे ये किताब में देखिए आपने, इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया चीजों का, सिंपल इन्होंने बेसिकली बेसिक बता दिया है। इसी तरीके से एसपी बख्शी इस किताब में जो रूल्स दिए हैं, ये किताब चर्चा में क्यों आई, चर्चा में इसलिए आई क्योंकि जो इसमें रूल्स दिए हैं वो बहुत ही सटीक हैं और बहुत ही अच्छे हैं, और इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस फंसते थे, इसलिए ये किताब चर्चा में आई। और मैं आपको एक और राज की बात बताऊं, अगर आप तीनों किताब पढ़ोगे ना तो आप ये पाओगे कि इसी किताब से ये भी आप बनी है, यानी रेनन मार्टिन का ही से ही सोर्स इसका भी है और रेनन मार्टिन ही सोर्स नीतू मैम की किताब का भी है। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस दैट इन्होंने जब किताब लिखी तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन इन्होंने भी दिया, लेकिन चूंकि नीतू मैम की किताब इसके बाद आई तो इन्होंने इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा दिया है, इसलिए मुझे ये किताब पर्सनली बेहतर लगती है। मैंने तीनों किताबें पढ़ी हुई हैं, बीइंग अ टीचर मैं तीनों किताबें पढ़ता हूँ और इसके अलावा भी किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए जो मुझे सही किताब लगी वो ये लगी। ठीक, तीसरी बात अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज की, रेनन मार्टिन में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं है, तो एक्सरसाइज आप वहां से कर ही नहीं सकते हो। और एसपी बख्शी में जो एक्सरसाइज है वो सबसे खराब पार्ट मुझे लगता है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन इन्होंने दिया, नन बट कावर्ड्स इज अफ्रेड ऑफ लाइटिंग फाइटिंग, इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन सिंपली दिया यूज आर इन इंस्टेड ऑफ इज। अब मान लीजिए मुझे रूल याद नहीं आ रहा तो इन्होंने सिंपल सा ये बता दिया, अब मैं क्यों करना है ये तो बताइए भाई, मुझे इन्होंने बताया ही नहीं ऐसा क्यों करना है, तो ये प्रॉब्लम है इस किताब में। लेकिन अगर मैं बात करूं नीतू मैम की किताब का, तो जैसे ये क्वेश्चंस हैं तो एक्सप्लेनेशन देखिए इन्होंने कितना ज़्यादा और कितना बेहतर तरीके से दिया है कि रोज़ का मतलब ये है और इसका मतलब ये है वगैरह वगैरह, इन्होंने सारी चीज़ें इन डिटेल एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो ये जो रीज़न है मुझे लगता है कि आपकी जो इन तीनों में अगर आप चूज़ करने की बात आए कि कौन सी किताब बेहतर है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर मान लीजिए दो किताबें पढ़ना चाहते हो, जैसे कई लोगों को होता है कि आप दो किताब पढ़ना चाहते हो, तो आप ये और ये पढ़ लीजिए, क्योंकि जो इस किताब की वोकैबुलरी है वो बहुत अच्छी है, उससे एग्जाम में सवाल आते हैं और वोकैबुलरी इस किताब की अच्छी है। लेकिन आप रेनन मार्टिन की तरफ मत जाइए, क्योंकि ना ही इसमें प्रीवियस ईयर सवाल दिए हैं, ना ही इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है और ना ही इसमें और कुछ बहुत अच्छा है। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप ये दोनों किताबें कीजिए और इन दोनों किताबों से ही आपको एग्जाम के लिए भी सिलेक्शन में मदद मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको ये डाउट था कि इन तीनों में से मुझे कौन सी किताब यूज करनी है, तो उसका मैं आपको यही वर्डिक्ट दूंगा कि ये दोनों यूज कर सकते हो, और अगर इन दोनों में से चूज करना है तो यही चूज करिए, क्योंकि ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, एक्सप्लेनेशन भी बेहतर है, सारी चीजें इसमें बेहतर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये मेरा जो वर्डिक्ट है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि जो रेनन मार्टिन की जो किताब है वो फॉरेन ऑथर की वजह से है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट नहीं करती, जबकि ये दोनों किताबें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लिखी गई हैं, इसलिए मेरा सजेशन होता है कि आप ये किताबें पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिए, और ये मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी पर आ रहे हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्सेज का टाइमिंग मैंने यहाँ पर दे रखा है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप रेफरल कोड AMANT इस्तेमाल कीजिए और उससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा और आप साल भर की प्रिपरेशन एसएससी सीजीएल की 5400 रुपये में सारे टीचर्स यानी मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस सब कुछ तैयार कर सकते हो। ठीक है, सो डू टेक सब्सक्रिप्शन ऑन द वेबसाइट।
ठीक है, और अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मैंने आपको बताया है कि आपको नॉर्मल लुईस की पीडीएफ, आपको नॉर्मल लुईस की समरी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराई जा रही है, तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।